नमस्कार, मैं रितेश आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था, आज मैं रंगबाज फिर से के मुख्य किरदार के बारे में बात करूंगा आपसे। रंगबाज फिर से में आपने देखा कि जो मुख्य किरदार में है उनका नाम है अमरपाल सिंह, भूमिका निभाई है जिमी शेरगिल ने। लेकिन वास्तविक जीवन में वो कौन थे, उनके जीवन की क्या कहानी रही, और जो दूसरे किरदार हैं उनका वास्तविक जीवन में किस तरह का रोल था, या इस सीरीज में क्या ऐसी चीज थी जो कि नहीं दिखाई गई या थोड़ा अलग तरीके से दिखाई गई, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं साफ तौर पे एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इस कहानी को बताने के पीछे मेरा उद्देश्य किसी अपराध को जायज़ ठहराना नहीं है और न ही किसी अपराधी को ग्लोरीफाई करना है। तो दोस्तों, जो अमरपाल सिंह हैं वो वास्तविक जीवन में थे आनंदपाल सिंह, और आनंदपाल सिंह के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। कई लोग उनको बहुत हीरो मानते हैं, कई चीज़ें उनके बारे में, कई किंवदंतियां भी जुड़ी हुई हैं, और उनका जो स्टाइल है वो हमेशा चर्चा में रहा है। देखिए, वो लेदर जैकेट पहनते थे, हैट लगाते थे, अंग्रेजी बोलते थे, लेकिन बहुत बड़े अपराधी थे। और उसके साथ जो कहिए कि उनकी एक रॉबिन हुड वाली जो छवि थी, उसके कारण उनके कई लाखों हजारों समर्थक भी थे। आनंद पाल सिंह इतना स्टाइलिश था कि वो अलग अलग कपड़े पहन के पेशी पे आता था अदालत में, यहाँ तक कि वो सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर उसका एक पेज भी था। तो जो वास्तविक जीवन का आनंद पाल सिंह है, वो नागौर जिले का रहने वाला था, वो अच्छा खासा पढ़ा लिखा था, उसने बीएड कर रखी थी, वो टीचर बन सकता था। लेकिन उसके जीवन में एक घटना होती है, जब उसकी बारात निकलने वाली होती है तो कुछ लोग उसको घोड़ी चढ़ने से रोकते हैं, ये कहते हुए कि उसकी जाति थोड़ी अलग है और इस तरह के लोग घोड़ी पे नहीं चढ़ सकते। उसके बाद वो घोड़ी पे तो चढ़ जाता है, लेकिन उसके मन में ये लकीर रह जाती है, और एक तरह से बदला लेने के लिए कहिए, या समाज को ये दिखाने के लिए कि वो भी कोई चीज़ है, वो अपराध की दुनिया में कदम रखता है। शराब तस्करी से वो धंधा शुरू करता है। उसका जो प्लान है वो ये है कि वो एकदम लिकर किंग बन जाए, लेकिन उसके साथ साथ फिर वो एक्सटॉर्शन के धंधे में लग जाता है, ज़मीनें कब्जाना या दूसरों को बेदखल करके उस ज़मीन को बेचना, ये उसका मुख्य धंधा बन जाता है। इस तरह के धंधों को, अपराध को बढ़ाने के लिए वो हमेशा लगा रहता था। जो भी उसकी राह में आया उसने उसका मर्डर कर दिया। अब एक बहुत खास मर्डर की वहाँ चर्चा होती है, वो थी जीवन राम गोदारा की। और जीवन राम गोदारा बताया जाता है कि वही आदमी है जिसने कि अमरपाल को, यानी कि आनंदपाल को, घोड़ी पे बिठाया था और समाज के प्रतिरोध का सामना किया था। सीकर के गोपाल फोगावट की हत्या के भी बड़ी चर्चा रही, उसको लेकर भी कई कहानियां हैं। और फिर एक लेडी डॉन होती हैं अनुराधा, अनुराधा के संपर्क में आने के बाद इनका धंधा दिन दोना चौगुना बढ़ता चला गया, और फिर होता यह है कि इनका दहशत बढ़ जाता है, सरकार एक्शन में आती है और एक इनकाउंटर में इनको मार दिया जाता है। आनंद पाल की जब कहिए कि इनकाउंटर में वो मारा गया, उसके बाद जो पुलिस उनके किले पर पहुंची तो देख के दंग रह गई। ऐसा उन्होंने भव्य किला बना रखा था और उसमें कई तहखाने थे, कोठरियां थी, पिंजरे थे। ये बताया जाता था कि वो लोगों को पकड़ के लाता था, उन पिंजरों में कैद रखता था जब तक कि वो जमीन देने के लिए तैयार नहीं हो जाते थे या उनके रिश्तेदार फिरौती नहीं दे देते थे। तो बड़ा ही क्रूर वो अपराधी था, लेकिन बड़ा ही फैशनेबल था, बड़ा ही चर्चित था और अपने समाज के लोगों के बीच में बहुत ही लोकप्रिय भी था। मुठभेड़ में आनंद पाल सिंह के मारे जाने के बाद भी उसकी कहानी खत्म नहीं हुई। उसका जो गृह जिला है नागौर, वहाँ एक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया और सरकार के विरोध में हवा बनने लगी, लोग धरने पर बैठ गए। कई लोगों का यह कहना था कि जो आनंद पाल सिंह है उसका फर्जी इनकाउंटर किया गया है, इसकी जांच होनी चाहिए। उनकी वाइफ ने भी सीबीआई जांच की मांग की और स्थिति इस कदर बिगड़ गई कि पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। 3 हफ्ते तक उनका शव फ्रीजर में रखा गया, वो उस शव को अंतिम संस्कार के लिए तैयार नहीं थे प्रदर्शनकारी। बाद में बहुत समझाने मनाने के बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया। एक और बात आप देखिए कि आनंद पाल मर गया, लेकिन उसके मुकदमे खत्म नहीं हुए। उसके मरने के 2 साल के बाद एक मुकदमे का फैसला आता है जिसमें उसको उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। हालांकि ये थोड़ी विचित्र सी बात है, लेकिन आनंद पाल के बारे में कुछ भी हो सकता है। इस आदमी का जीवन बहुत ही विचित्रताओं से भरा हुआ था, बहुत सारे उतार चढ़ाव से भरा हुआ था, और शायद इसीलिए उसकी कहानी को एक सीरीज के रूप में प्रस्तुत करने का
यह प्लान जी वालों ने बनाया होगा। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि जो सीरीज में आपने कहानी देखी और जो आनंद पाल के जीवन की वास्तविक कहानी है उसमें क्या क्या चीज़ें एक जैसी हैं और क्या चीज़ें हैं जो थोड़ी सी अलग आपको यहाँ सीरीज में दिखाई गई। तो सबसे पहले जो अमरपाल यानी आनंद पाल यानी जिमी शेरगिल ने जिनकी भूमिका की है उनके आप गेटअप की बात कर लें वो वैसा ही है। वो लेदर जैकेट पहनने का शौकीन था, वो हैट लगाता था। या फिर आप देखें कि पंचायत चुनाव में 2 वोट से हारने का जहाँ दिखाया है सीरीज में वो वास्तव में वही था, वो 2 ही वोट से हारा था। गोदारा का जो मर्डर किया वो सही है लेकिन इसमें थोड़ा सा ड्रामेटिक टर्न यहाँ लिया गया था। एक तो गोदारा का नाम बदल दिया गया, हालांकि नाम तो सारे किरदारों के बदले हुए हैं क्योंकि ये कोई बायोपिक तो है नहीं, उससे प्रेरित एक कहानी है तो ठीक है। गोदारा का जब मर्डर किया गया तो वो दिन दहाड़े बाजार में किया गया था। यहाँ हमने देखा कि गोदारा और जो अमरपाल हैं वो एक साथ होते हैं और कोई होता नहीं और वहाँ उनका मर्डर हो जाता है, लेकिन गोदारा का मर्डर का आरोप अमरपाल यानी अनंतपाल पर ही था और ये सब बात सही दिखाई है इस वेब सीरीज में। उसके अलावा आप देख रहे हैं कि फोगवाट का मर्डर, तो ठीक है फोगवाट का मर्डर यहाँ भी है वहाँ भी है, लेकिन जब ये कहानी सीरीज के रूप में दिखाई गई तो कुछ अलग चीज़ें भी थीं जो कि आनंद पाल के जीवन से जुड़ी हुई नहीं थी, लेकिन लेखकीय आज़ादी या ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन के लिए इतना तो चलता ही है। सीरीज में हमने देखा कि जो अमर पाल है वो IPS बनना चाहता है, परीक्षा भी देता है, पास भी कर जाता है, लेकिन किसी परिस्थिति से वो बन नहीं पाता। यहाँ जो वास्तविक जीवन का आनंद पाल था वो उसने IPS की परीक्षा नहीं दी थी, उसने BED का एग्ज़ाम पास किया था, वो चाहता तो शिक्षक बन सकता था। दूसरा परिवार को लेकर के दिखाया है, यहाँ जो है अमर पाल यानी जिमी शेरगिल उसका दिखाया कि एक बेटी है जबकि आनंद पाल के वास्तविक जीवन में 2 बेटियाँ थीं। और जो एक थोड़ी अलग बात है वो है कि यहाँ जो आनंद पाल है यानी कि जो अमर पाल है सीरीज के अमर पाल उनको थोड़ा सा हीरोइक दिखा दिया गया है, उनका जो क्रूर चेहरा है उसको थोड़ा कम रखा गया है। देखिए कि एक व्यक्ति एक यातना गृह बनाता है, पिंजरा बनाता है, उसमें लोगों को कैद करके रखता है भूखा प्यासा, वो कितना क्रूर हो सकता है, इस चीज़ को यहाँ इस सीरीज में एक तरह से लिया नहीं गया है। तो दोस्तों रंगबाज फिर से के बारे में आज इतनी ही चर्चा, आगे किसी और ऐप किसी और वेब सीरीज किसी और हॉट टॉपिक को लेकर मैं आपके सामने आऊँगा। तब तक आप मेरे वीडियोस को देखिए, मेरे चैनल को पसंद कीजिए और यदि सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो सब्सक्राइब जरूर ही करिए। और हाँ यदि आपने अभी अभी सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। धन्यवाद।